हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन मेजरिंग। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का क्या नाम है? एक्यूरेसी। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ आपको, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग। तो देखिए, टॉपिक इजी है। मेजरमेंट लेते समय एक्यूरेसी किसे कहते हैं और प्रिसीजन किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमें यहाँ पर सीखना है, जो मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए, ठीक है, अब आपको पता है फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। अब फिजिक्स जो है वो आपको पता है किस पे आधारित है। फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, और जब ऑब्जर्वेशंस करके हम क्या लेते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट जब उस पर हम करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, तो फिजिक्स जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स इस पे बेस है। फिजिक्स का एक्चुअली ये सब चीज़ें क्या है, बेस है फिजिक्स की, इस पर डिपेंड है एक तरह से फिजिक्स। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी आर मेड। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कब हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमें क्या मिलता है, फिजिकल वेरियस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। किसे ऑब्जर्व करते हैं हम, वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिक किस पे आधारित है, एक तरह से ऑब्जर्वेशंस, और फिर हम जिस उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में हम एक्चुअली क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो वेरियस फिजिकल क्वांटिटी हम एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। कभी स्पीड आ जाएगा, कभी टाइम आ जाएगा, कभी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी वेरियस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगी, जैसे देखिए एटमॉस्फेरिक स्टडी आ गया वहाँ पर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्टडी आ गया, तो हम वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम अगर एटमॉस्फेरिक स्टडी कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक स्टडी, एटमॉस्फेरिक स्टडी हम अगर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या क्या मेजर करना होगा, हमें मेजर करना होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो हम वहाँ पे क्या मेजर करेंगे, एटमॉस्फेरिक, हम वहाँ पे मेजर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर एक क्वांटिटी आ गई प्रेशर, उसे हमें मेजर करना होगा। ठीक है, हम वहाँ पर वाइंड वेलोसिटी को मेजर करेंगे, यानी एक तरह से हम वेलोसिटी को वहाँ पर मेजर कर रहे हैं वाइंड के, तो ये क्वांटिटी को हम वहाँ पे मेजर करेंगे, दूसरी ये क्वांटिटी को हम वहाँ पर मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम ह्यूमिडिटी को वहाँ पे मेजर करेंगे, यानी किसी भी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वेरियस फिजिकल क्वांटिटी को आप ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, एटमॉस्फेरिक स्टडी कर रहे हैं आप, एक्सपेरिमेंट आपका शुरू है, तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, वाइंड वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे, ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करेंगे, यानी क्या करेंगे एक्चुअली, इसका आप मेजरमेंट लेंगे, इस क्वांटिटी का क्या लेंगे, आप मेजरमेंट लेंगे। आपके समझ में, इस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब क्या होता है कि जितने भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं, ऑल मेजरमेंट, ठीक है, अब वो ऑल मेजरमेंट क्या होने चाहिए,
एक्यूरेट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल द मेजरमेंट मे बी एक्यूरेट, आपके मेजरमेंट क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। तब एक्यूरेट का अर्थ वहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, यानी एक्यूरेसी का वहाँ पे मीनिंग क्या हो गया। देखिए, ऑल मेजरमेंट मे बी एक्यूरेट मीनिंग दैट मेजर वैल्यू आर द सेम एज द ट्रू वैल्यू, यानी आपकी जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। जितनी भी ट्रू वैल्यू होंगी उस एक्सपेरिमेंट की वो आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, एक्चुअली ट्रू वैल्यू यानी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब ये एक रिंग है, ये क्या है, एक रिंग है। आपको इस पर निशाना लगाना है, आपको क्या करना है, इस पर आपको निशाना लगाना है। आपका निशाना होना चाहिए यहाँ पर, ये हो गया आपकी ट्रू वैल्यू। एक तरह से कौन सी वैल्यू हो गई आपकी ट्रू वैल्यू, हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखें तो ये हो गई ट्रू वैल्यू। आपको यहाँ पर निशाना लगाना है, ठीक है। आपका यहाँ पर निशाना लग गया तो आपको मिल गया ट्रू वैल्यू, ऐसा समझिए, और आपको एक्यूरेट वहाँ पर मेजरमेंट मिल चुका है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट, यानी उसका मीनिंग क्या हो गया, मेजर वैल्यू आर सेम एज द ट्रू वैल्यू। आप जो वैल्यू को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, यानी मेजर वैल्यू आपकी जो मेजर वैल्यू है वो सेम होने चाहिए। सेम एज आपकी मेजर वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम एज द ट्रू वैल्यू, यानी जो एक्चुअली उसकी ट्रू वैल्यू है उसे आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपकी, आप एक्यूरेट हो, आप मेजरमेंट में क्या हो, एक्यूरेट, यानी एक्यूरेट ही उसे कहेंगे, ठीक है, कि मेजर वैल्यू आर द सेम एज द एक्यूरेट वैल्यू। अब बहुत सेम ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम ऐसा नहीं होता है, तो एक्चुअली हम एक्यूरेसी किसे कहेंगे, एक्चुअली हम एक्यूरेसी फिर हम इसे कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ट्रू वैल्यू मिले, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमारा निशाना यहाँ पर ही लगे, तो हम एक्यूरेसी किसे कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, एक्चुअली एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज, इस स्टेटमेंट को आपको समझना होगा, हाउ क्लोज अ मेजरमेंट, हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू, हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द एक्चुअल, टू द एक्चुअल वैल्यू, टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, ऑफ दैट क्वांटिटी। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या हो गया वहां पर, क्या हम एक्यूरेसी किसे कहेंगे, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी क्या हुआ, आपकी ट्रू वैल्यू ये है लेकिन आपका निशाना बार बार ही लग रहा है, आपका निशाना बार बार ही लग रहा है, ठीक है। तो वही बोलने का मतलब है कि एक्यूरेसी इज हाउ क्लोजर, हाउ क्लोज अ मेजरमेंट, एक्चुअल वैल्यू आपकी यहाँ पर है लेकिन आपका मेजरमेंट उसके क्लोज यानी यहाँ पर आ रहा है, कितना क्लोज है। एक्यूरेसी यानी आपका जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज आ रहा है, वही आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी, वही आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी। यानी अब मैं आपको जैसा एग्जांपल बता दूँ, एक्चुअल वैल्यू सपोज है 5, ठीक है, आपका मेजरमेंट वहाँ पर आ रहा है 5.9999, तो ये हो गई आपकी एक्यूरेसी। एक्चुअली आपकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो तो 5 थी, आप कहाँ तक आ गए, आप आ गए क्लोज, आ गए एकदम उस एक्चुअल वैल्यू के, तो यही आपकी क्या हो गई, एक्यूरेसी हो गई वहाँ पर, ठीक है। आप अगर ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो एक्यूरेट हो आप, 5 उसकी एक्चुअल वैल्यू है ना, आपका मेजरमेंट भी 5 आता है तो आप एक्यूरेट हो, ठीक है। या फिर आप 4.99 यानी हाउ क्लोज टू अ मेजरमेंट, आप उस मेजरमेंट के एक्चुअल वैल्यू के मेजरमेंट के आप कितना क्लोज हो, वो भी आपकी एक्यूरेसी होती है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हम जब लेते हैं। तो आपके ख्याल में आ गया एक्यूरेसी किसे कहेंगे, एक तो आपकी वैल्यू मेजरमेंट की वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, या फिर आप उसके एकदम क्लोज होनी चाहिए जितने, वो भी आपकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। आगे आपकी एक्यूरेसी समझ में। अब हम दूसरा देखेंगे कि देखो, मेजरमेंट कभी कभी प्रिसाइज भी होता है। अब हमें क्या सीखना है कि प्रिसाइज यानी क्या, मेजरमेंट कभी कभी प्रिसाइज भी होता है। अब प्रिसाइज यानी क्या, अब देखिए प्रिसाइज यानी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसका मीनिंग क्या है प्रिसाइज का। ये जो प्रिसाइज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्रिसीजन
जिसे कहते हैं हम एक्चुअली, उसका मीनिंग क्या होता है? प्रिसीजन का मीनिंग क्या एक्चुअली, ठीक है? मीनिंग उसका क्या है कि मल्टीपल मेजरमेंट, मल्टीपल मेजरमेंट गिव, मल्टीपल मेजरमेंट गिव नियरली आइडेंटिकल वैल्यू, नियरली आइडेंटिकल, नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज, मल्टीपल मेजरमेंट गिव्स नियरली आइडेंटिकल वैल्यू। यानी हो क्या रहा है कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने एक एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसा आपको यहाँ पर निशाना लगाना है, लेकिन बार बार निशाना लग रहा है यहाँ पर ही लग रहा है, यहाँ पर यही रीजन में बार बार क्या हो रहा है, निशाना सबका लग रहा है। यानी आप मल्टीपल मेजरमेंट ले रहे हो, आप उस एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल मेजरमेंट ले रहे हो, मल्टीमेंट में आप नियरली आइडेंटिकल वैल्यू के पास में जा रहे हो, एक्चुअली ये है आपकी वैल्यू, लेकिन आप उसके पास में ही जा रहे हो, बार बार एक्सपेरिमेंट ले रहे हो आप। जैसी एक्चुअल वैल्यू 5 है, अगर आपका मेजरमेंट 4.9999 आता है तो भी हम इसे एक्यूरेसी कहेंगे, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 4 नहीं, आपका हर बार आपका मेजरमेंट, बार बार आप एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, आपका मेजरमेंट 4 आ रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम 4.। यानी मल्टीपल मेजरमेंट लेने के बाद में आप नियर है किसके, आइडेंटिकल वैल्यू के, आप एकदम पास में आ रहे हो, क्लोज नहीं आ रहे हो, पास में आ रहे हो लेकिन आप क्लोज नहीं आ रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 4 आ रहा है, अब 4 तो उसके क्लोज नहीं हुआ ना, नियर हुआ, बार बार एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, 4 ही आ रहा है आंसर, ठीक है? जैसे हम इसे कंप्लीट लिख दे तो 4.000, ठीक है, क्लोज नहीं है लेकिन बार बार लेने का नियर है ना, आपका निशाना बार बार यहाँ पर लग रहा है, नियर दैट, तो उसे कहेंगे हम प्रिसीजन, या फिर उसे हम कहेंगे प्रिसाइज वैल्यू। आए ख्याल में आपकी, एक्यूरेसी किसे कहते हैं और प्रिसाइज वैल्यू किसे कहते हैं? एक्यूरेसी यानी आपकी एक तो एक्चुअल वैल्यू है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो आनी चाहिए, या फिर आप उसके क्लोज होनी चाहिए तो आपकी एक्यूरेसी है, लेकिन आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन आपकी वैल्यू उसके नियर आ रही है, पास में आ रही है, तो वो हो गया आपकी प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है? तो ये हो गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन में का डिफरेंस, ठीक है? आया ख्याल में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है? तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको गूगल पर इसके मिल जाएंगे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है, लेकिन एक आसान इजी वे में मुझे आपको बताना था कि एक्यूरेसी यानी प्रिसीजन क्या होता है। इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी मटेरियल आप नेट से पढ़ लो, आपके अब ख्याल में आ जाएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन किसे कहते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपको JEE नीट, MST CET और 11th सबके लिए क्या होगा, यूजफुल रहेगा, ठीक है? अच्छा लगा तो फ्रेंड में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है? ताकि मैं आपको उसी स्पिरिट से नेक्स्ट वीडियो शूट करूँ और फास्ट में नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँ, अपलोड करूँ। ओके, थैंक यू।